गदर 2 भी आ चुकी है एंड ओ माय गॉड 2 भी देख ली, सभी लोगों ने देख ली होगी, आई थिंक मैंने भी देख ली है, तो आई थिंक सभी लोगों ने देख ली होगी। लेकिन बात करिए उन दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो बहुत फर्क है दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। लाइक जहाँ भी ओ माय गॉड 2 ने भी 40 करोड़ का लाइक कलेक्शन कम्प्लीट किया है, लाइक 40 करोड़ भी मतलब नहीं हुआ है पूरा। एंड ओ माय गॉड 2 मेरे को सच्ची में अच्छी लगी, क्योंकि उसका जो कॉन्टेंट है बेसिकली वही उसका मतलब मेन जड़ है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी का काम एंड जो मरियामी गौतम अक्षय कुमार का एंड जो उसके लिटिल ब्रदर छोटा सा हमारा बच्चा है उसके अंदर उसका सभी का काम बहुत ही जबरदस्त है। वहीं पे गदर 2 के अंदर लाइक हमारे तारा सिंह सकीना एंड उनका बेटा जो कि हमारी मतलब उन सभी का काम बहुत ही अच्छा है मानता हूँ, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे उनके बेटे का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लास्ट सीन मतलब जो तारा सिंह भीड़ के अंदर से निकल के आते हैं एंड एक सीन में जहाँ पे हेडपंप उखाड़ने की बारी आती तो लाइक पूरी की पूरी पाकिस्तान लोग मतलब साइड में भागते हैं, लाइक वो सीन सच में बहुत ही गूज़बम्प क्रिएट करने वाला सीन था। एंड उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सीन्स और थे जो कि लाइक गूज़बम्प क्रिएट करने वाले सीन थे। तो यार मूवी बेसिकली सच्ची में बहुत ही जबरदस्त है, मूवी के सीन्स भी बहुत जबरदस्त है। एंड दोनों मूवीज की अगर हम कॉन्टेंट की बात करें तो मेरे को शायद ओ माई गॉड 2 थोड़ा सा प्लस पॉइंट में जाती हुई दिखती है। एंड गदर 2 आई थिंक मेरे को यही लगता है कि गदर 2 को लोग इसीलिए ज्यादा प्रीफर करें क्योंकि यार ये मूवी एक मतलब हिस्ट्री क्रिएट मूवी है, क्योंकि 2001 में इसका पार्ट फर्स्ट आया था, जब मैं जन्म भी नहीं लिया था, मैं आई थिंक मेरा जन्म 2003 में है, तो ये 2001 में आई थी, मेरे जन्म लेने के 1-2 साल पहले ही ये आ चुकी थी, तो मैं उस टाइम पे थिएटर में जाके नहीं देख पाया था, लेकिन अभी देख के आया एंड सच्ची अच्छी है। लेकिन जो हमारे ओ माई गॉड 2 है वो भाई इसका फर्स्ट पार्ट आया था वो बेसिकली बहुत पहले आ गया था एंड वो बहुत ही हिस्ट्री क्रिएटिंग था, लाइक उस टाइम पे वो बहुत बॉयकॉट हुआ था एंड बहुत लोगों ने ट्रोल किया था उसको। लेकिन इस टाइम पे 27 चेंजेस करके लाइक उसको सेंसर बोर्ड ने 27 चेंज कर दिया, खुद फिल्म वालों ने चेंज कर दिया, तो लोग तो क्या ही कहेंगे। लेकिन उसका जो टॉपिक है एंड उस पूरे मतलब मूवी का जो हमें लेसन सिखाती है मूवी, वो बेसिकली बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही में मूवी के बहुत सारे सीन भी बहुत जबरदस्त है। हमारे ओ माई गॉड 2 के अंदर लाइक बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट दिया है, मैंने 4.5 स्टार दिए थे ओ माई गॉड 2 को। गदर 2 लाइक उसका फर्स्ट सीन इतना जबरदस्त है एंड जो हमारे तारा सिंह को देखने के लिए गया था, मैं गदर मचाने के लिए गए थे, तो बेसिकली तो गदर 2 को अगर देखे तो वो अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी दोनों मूवीज में। आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। एंड गदर 2 एंड ओ माय गॉड 2 दोनों के मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से लाइक दोनों मूवी अच्छी है बुरी है। लेकिन बात करें सुपरहिट कौन सी मूवी है, तो आपको बता दूं सुपरहिट मेरे को ओ माय गॉड 2 लगी, क्योंकि उसका कॉन्टेंट भी अलग है, क्योंकि पिछली मूवी के कोई भी चीजें उसके अंदर यूज नहीं की है। जहाँ पे ओ माय गॉड के फर्स्ट पार्ट के अंदर श्री कृष्ण भगवान का रोल अक्षय कुमार ने किया था एंड जो हमारे प्रेस रावल वो नास्तिक थे, वहीं पे ओ माय गॉड 2 के अंदर हमारे पंकज त्रिपाठी आस्तिक है, इन शिव जी के गण का रूप किया है, शिव जी के अवतार का रूप किया है, तो इसी वजह से मैं कहता हूँ ओ माय गॉड 2 शायद प्लस पॉइंट आती है। वहीं पे गदर 2 के अंदर लाइक वही पुराने गाने हैं, बेसिकली दो गाने तो पूरे सेम टू सेम गदर फर्स्ट के डाल दिए गए एंड कॉन्टेंट भी बहुत ही हद तक वही है पुराने वाला, तो आई थिंक लोगों का विश्वास ये जो गदर 2 देखने के लिए गए। बाकी आपको कौन सी मूवी अच्छी लगी कॉमेंट सेक्शन बता देना एंड मिलते हैं एक जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।